आइए इस वीडियो में देखते हैं अबाउट और ओवर में डिफरेंस। ये दोनों ही प्रेपोजिशन हैं और दोनों ही एडवर्ब का काम भी करती हैं। इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों ही अबाउ और ओवर ऊपर की सेंस में यूज़ होती हैं, के ऊपर। अब के ऊपर में कई तरह की सेंस इनकी बनती है। के ऊपर को कई तरह से यूज़ किया जा सकता है कि जो एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर है वो एग्जैक्टली उसके ऊपर है, उससे टच है या टच नहीं है, या फिर थोड़ा सा स्लाइटली एग्जैक्टली ऊपर ना होकर के स्लाइटली थोड़ा सा किनारे पे है। तो कई तरह से इसको यूज़ किया जाता है। इसमें मोस्टली देखा गया है कि स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं इनको पहचानने में कि ओवर और अबव का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है। यहाँ हम दो सेंटेंस ले रहे हैं, ये डिफरेंस है ओवर और अबव में। एक सेंटेंस है, फर्स्ट, वी हैव गॉट अ लिटिल हाउस डैश द लेक। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आना है। इट इज़ नॉट अ कम्प्लीट डॉक्यूमेंट, ये एक कम्प्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है, प्लीज़ सी डैश, यानी देखें क्या देखें। अब यहाँ पर इन दोनों में ओवर और अबव में से फिल करना है। अगर आप इसको एग्जैक्टली फिल कर पा रहे हो और आप समझ आता है इसका मतलब ओवर एंड अबव, ये जो दोनों प्रेपोजिशन जो हैं या एडवर्ब में एडवर्ब की तरह भी इनका यूज़ होता है, ये आपको समझ आता है, क्लियर है। अगर यहाँ इनको फिल करने में आपको लगता है कि दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, तो आपको इस टॉपिक को आगे देखना चाहिए। वीडियो में हमारे साथ बने रहें और इसको हम डिटेल में अभी ओवर और अबव को सेपरेट अलग अलग करके इनको समझेंगे कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, उसके यूज़ को डिटेल में एग्जाम्पल के सहित हम इसको देखेंगे। यहाँ देखिए, वी हैव गॉट अ लिटिल हाउस, हमारे पास क्या है, अ लिटिल हाउस, एक छोटा घर है। कहाँ है वो घर, डैश द लेक, लेक होता है झील, झील के ऊपर है। अब झील के एग्जैक्टली झील के ऊपर तो घर एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो घर जो है झील के पास है, एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं, और ऊंचाई की जगह है, वहाँ पर पहाड़ी का कोई हिस्सा है, वहाँ पर घर है, तो वो एक्चुअली झील के पास है, थोड़ी ऊंचाई पर है, ये इसमें कहा जा रहा है। ये सपोज आपकी झील हो गई, यहाँ पर कहीं ऊंचाई पर यहाँ कहीं घर है, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं है, यहाँ है। तो इस पोजीशन को बताने के लिए हम दोनों प्रेपोजिशन में से कौन सी प्रेपोजिशन को चूज़ करें। वी हैव गॉट ए लिटिल हाउस, इस केस में यहाँ पर अबव आएगा। वी हैव गॉट ए लिटिल हाउस अबव अबव द लेक। अबव का यूज़ तब करेंगे जब एग्जैक्टली अबव ना हो, बल्कि स्लाइटली थोड़ा सा हटके हो और हो ऊंचाई पर, ऊपर हो लेकिन हटके हो थोड़ा सा, तो उस केस में हम अबव का यूज़ करते हैं। और इस वाले में इट इज़ नॉट अ कम्प्लीट डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट कम्प्लीट नहीं है, प्लीज़ सी डैश, यहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं, प्लीज़ सी डैश, यानी सी ओवर मीन्स के नेक्स्ट पेज पे आप देखें। सी अबव भी होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ सेंटेंस बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट कम्प्लीट नहीं है, यानी इस पेज पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कंप्लीट नहीं है, इसके लिए आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ओवर करेक्ट है। सी अबव भी करेक्ट है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो ये हो जाएगा कि इसी पेज पे आप जो ऊपर लिखा है उसको देखें। एक एक ही पेज है, उसी पेज पे अगर ऊपर कुछ लिखा है तो उस केस में हम अबव आएगा, और अगर नेक्स्ट पेज पे जाने वाली बात है, नेक्स्ट पेज पे जाएं तो फिर सी ओवर आएगा। तो ये इसमें स्लाइटली डिफरेंस होता है और यही चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। तो अगर ये आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको फिल करने में थोड़ी दिक्कत है, इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए है, आपको इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। आगे अब देखते हैं ओवर और अबव, इन दोनों को एक एक को करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ है। आइए देखते हैं इसके यूजेस। अबव का सबसे पहले यूज़ आते हैं, कई तरह से इसका यूज़ होता है। सबसे पहले यूज़ है हायर देन, हायर देन बताने के लिए, यानी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से ऊपर है, हायर ऊंचाई के लिए सब जो मेन इसका रोल है वो सेंस इसी में यूज़ होता है, हायर देन में। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, द वॉटर केम अप, द वॉटर केम अप, पानी आ गया था डैश अवर नीज। इस केस में यहाँ दोनों ही यूज़ होते हैं, अबव भी, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अबव आर नीज, यानी हमारे घुटने के ऊपर तक पानी आ गया था, तो यहाँ पर अबव और दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि
क्योंकि दोनों पोजीशन को रेफर करते हैं। पोजीशन अगर उसकी ऊपर है तो पानी की पोजीशन घुटने की पोजीशन से ऊपर है इस केस में, क्योंकि अबव को वर्टिकल सरफेस जो होती है उसमें वर्टिकली अगर कोई चीज़ ऊपर है तो वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। ओवर को एक चीज़ के दूसरी चीज़ के ऊपर जो कि टच ना हो और उससे ऊपर हो वहाँ भी यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में ये दोनों ही करेक्ट हैं, अबव एंड ओवर। कैन यू सी द हेलीकॉप्टर डैश द पैलेस, पैलेस महल हो गया। कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर को अबव द पैलेस, क्या आप महल के ऊपर हेलीकॉप्टर देख सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन है ये। तो वो हेलीकॉप्टर की जो पोजीशन है वो पैलेस के एग्जैक्टली ऊपर भी हो सकती है और स्लाइटली थोड़ा सा फर्क भी हो सकता है उसमें, थोड़ा इधर उधर हो सकती है। तो उस केस में हम अबव और ओवर दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर एग्जैक्टली ऊपर है तो ओवर यूज़ करेंगे और अगर स्लाइटली हटके है थोड़ा सा हल्का सा तो अबव यूज़ करेंगे। तो इस केस में दोनों ही करेक्ट हैं। कैन यू सी द हेलीकॉप्टर अबव या ओवर द पैलेस। थर्ड सेंटेंस में आई कैन नेवर थैंक यू एनफ, आई कैन नेवर थैंक यू, मैं आपका पर्याप्त जो एनफ थैंक यू है वो मैं नहीं कर सकता, पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता फॉर योर काइंडनेस सपोर्ट एंड अबव ऑल लव। आपकी काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए जो आपने मदद की सहारा दिया उसके लिए, एंड अबव ऑल और सबसे ऊपर लव के लिए जो आपने प्यार हमें दिया उसके लिए। तो आई कैन नेवर थैंक यू एनफ फॉर योर काइंडनेस सपोर्ट एंड अबव ऑल। यहाँ पर प्रपोजिशन अबव लगी है, यहाँ पर ये रेफर किया जा रहा है कि जो लव है, काइंडनेस भी है, सपोर्ट भी है, लव भी है, लेकिन लव को सबसे ऊपर रखा गया है। तो हायर पोजिशन बताने के लिए हम अबव का यूज़ करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अबव और ओवर दोनों ही करेक्ट हैं, यहाँ पर सिर्फ अबव का ही यूज़ होगा। ये इसका फर्स्ट यूज़ था हायर देन। सेकंड यूज़ होता है इसका नॉट डायरेक्टली ओवर। नॉट डायरेक्टली ओवर का मींस कि डायरेक्टली बिल्कुल सीधे सीधे एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, जैसे कि हमने वहाँ भी बताया। तो इसी तरह से है ये सेंटेंस जो हम अभी इंट्रोडक्शन में, शुरू में, स्टार्ट में हमने लिया था, स्टार्टिंग में, वी हैव गॉट ए लिटिल हाउस अबव द लेक। इसलिए यहाँ पर अबव ठीक है क्योंकि लेक के एग्जैक्टली जो झील है, झील के जो हाउस है, वी हैव गॉट ए लिटिल हाउस, हमारे पास एक घर है अबव द लेक, वो लेक के एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, लेक के ऊपर हो भी नहीं सकता, लेक मतलब झील, झील के पास जो ऊंचाई वाला हिस्सा है उस पर कहीं वो मकान है। तो इसके लिए हम अबव का यूज़ करेंगे। इनको नोट करते हैं फिर आगे देखते हैं और यूजेज इसके। आइए अब देखते हैं अबव के अगले यूजेस। इसका थर्ड यूज़ आता है मेजरमेंट में, यानी नाप तोल में, नापने में। अबव इज़ यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हाइट एक्सेट्रा। हाइट या टेम्परेचर को बताने के लिए हम अबव का, इसका प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, द टेम्परेचर वॉज 3 degrees अबव ज़ीरो। टेम्परेचर ज़ीरो से 3 degree ऊपर था, तो फिर से पोजिशन को रेफर किया है, लेकिन टेम्परेचर में, टेम्परेचर में अब थर्मामीटर में हम देख रहे हैं और टेम्परेचर उसमें ऊपर है, तो यहाँ पोजीशन जो फिजिकल पोजीशन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उसको हायर देन बताने के लिए यूज़ किया गया है कि 3 degrees अबव ज़ीरो, ज़ीरो से 3 degree ऊपर था। तो टेम्परेचर को बताने के लिए हमने अबव को यूज़ किया। द समिट ऑफ एवरेस्ट, समिट होता है चोटी, समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी इज़ अबाउट 8000 meters, 8000 meter अबव सी लेवल, सी लेवल से 8000 meter ऊपर है। तो यहाँ पे ऊपर की सेंस में फिर से यूज़ हुआ ये हाइट को बताने के लिए। शी इज़ वेल अबव एवरेज, वो एवरेज से ठीक ठाक, वेल अबव है यानी ऊपर है। जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है इंटेलिजेंस में, इन इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस में वो एवरेज से ऊपर है, अबव है। तो यहाँ पर अबव का यूज़ हुआ है ये बताने के लिए, ये टेम्परेचर और हाइट नहीं है इसीलिए एक्सेट्रा लगा है। तो इसमें जो है एक और यूज़ आया है, तो यहाँ पर ये अलग तरह से यूज़ हुआ है, तो ये बताने के लिए हमने अबव का यूज़ किया है। सी अबव, एक इसका ये यूज़ है सी अबव, सी के साथ जब हम अबव यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है, सी अबव मीन्स टू लुक एट समथिंग रिटन बिफोर। आप एक पेपर पे पढ़ रहे हैं, कहीं पे सी अबव लिखा है, तो सी अबव का मतलब उसी पेपर पे, उसी सरफेस पे वर्टिकली आप पीछे देखें उसमें और पहले क्या लिखा है स्टार्टिंग में।
तो बिफोर आंसरिंग, इससे आंसर एग्जांपल लेके समझ आएगा, बिफोर आंसरिंग, आंसर करने से पहले प्लीज़ सी अबव इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ये अक्सर एग्जाम में जब हम कोई परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर एग्जाम में लिखा होता है पेपर के स्टार्टिंग में कि बिफोर आंसरिंग, आंसर करने से पहले प्लीज़ सी अबव इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जो ऊपर दी गई इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप केयरफुली सावधानी से देख लें। सी अबव, यहाँ पे भी इसमें ऊपर के लिए रेफर किया है। देयर वॉज अ क्लॉक, वहाँ पर क्या था, एक क्लॉक था, एक घंटा था। अबव द विंडो, यहाँ पर जो है एग्जैक्टली एक प्लेन सरफेस पे कोई चीज़ अगर ऊपर है और कोई चीज़ उसके नीचे है तो जो चीज़ ऊपर है उसको रेफर करने के लिए अबव का यूज़ किया है प्रपोजिशन का। देयर वॉज ए क्लॉक अबव द विंडो, विंडो के ऊपर, ये आपकी विंडो, विंडो के ऊपर एक क्लॉक था। कॉन्टैक्ट मी एट द अबव एड्रेस, अबव एड्रेस में वो फिर से यही पोजिशन है कि यहाँ कुछ लिखा है, ऊपर जो है वो एड्रेस गिवन है, तो कॉन्टैक्ट मी, मुझे कॉन्टैक्ट करें एट द अबव एड्रेस, यानी ऊपर वाले एड्रेस पे मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो ये थे, हमने देखे बी अबव के यूजेस, हमने चार तरह से इनके यूज़ देखे हैं ए बी सी डी में और एग्जांपल्स देखे हैं। ये अबव के यूज़ हैं, जो फर्स्ट यूज़ इसका था हायर देन वाला, वो काफ़ी सिमिलैरिटी रखता है ओवर के साथ, इसलिए ओवर और अबव दोनों ही अलाउड होते हैं उस सिचुएशन में, बाकी सब क्लियर है, अलग ही है। आइए अब देखते हैं, इसको नोट करिए, अब देखते हैं अब ओवर के यूजेस के कहाँ कहाँ ओवर का यूज़ होता है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ओवर के। ओवर का फर्स्ट यूज है हायर देन, जैसे कि अभी हमने देखा था अबव और ओवर, ये हायर देन पोजीशन बताने के लिए इस केस में इनका काफ़ी सिमिलर यूज़ है। व्हेन वन थिंग इज हायर देन द अदर, जब एक चीज़ दूसरे से ऊपर होती है। द वॉटर केम अप ओवर और अबव दोनों ही इसमें करेक्ट हैं, ये यूज़ हमने पहले डिस्कस कर लिया है इसके फर्स्ट वाले में। कैन यू सी द हेलीकॉप्टर, अबव ओवर दोनों करेक्ट हैं। द बर्ड फ्लू ओवर हिज हेड, उसके हेड के ऊपर, द बर्ड फ्लू, चिड़िया उड़ी थी उसके सर के ऊपर उड़ी थी, तो यहाँ पर ओवर का यूज़ हुआ है। अगला यूज़ देखिए, कवरिंग ऑन द अदर साइड ऑफ, कवरिंग या तो कवरिंग में कोई चीज़, एक चीज़ दूसरी चीज़ को कवर करती है, ढकती है, वहाँ पर इसका यूज़ है ओवर का। ऑन द अदर साइड ऑफ की दूसरी तरफ, उसके लिए इसका यूज़ है। इन एवरी पार्ट ऑफ द रीजन, रीजन का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, इलाका, उस क्षेत्र के एवरी पार्ट में, जिस क्षेत्र की हम, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं उसके हर पार्ट में सब जगह फैला हुआ, तो उस केस के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं, इन एवरी पार्ट ऑफ, या फिर और हम यूज़ करते हैं व्हेन वन थिंग कवर्स एंड और, दोनों ही स्थिति हैं, वो उसको टच भी करता हो दूसरी को या टच करता हो, या तो उसको वन थिंग कवर्स, या तो कवर कर लेता हो उसको या टच करता हो, या फिर कवर और टच दोनों करता हो, उस केस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। या फिर वन थिंग क्रॉसेस अनदर, एक चीज़ दूसरी को क्रॉस करती है, तो उस केस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। ओवर के साथ हमें अक्रॉस प्रीपोजिशन भी पढ़नी चाहिए, लेकिन वो यहाँ लेना पॉसिबल नहीं है, अभी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो उसको अलग से वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो क्रॉसेस, व्हेन वन थिंग क्रॉसेस अनदर, उस एग्जांपल देखते हैं। देयर इज क्लाउड ओवर द साउथ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो साउथ वाला पार्ट है उसके ऊपर बादल छाया हुआ है, तो देयर इज क्लाउड ओवर द साउथ ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पर जो ओवर का यूज़ हुआ है वो इस सेंस में यूज़ हुआ है, इन एवरी पार्ट ऑफ द रीजन, उस रीजन के, उस इलाके के हर पार्ट में उसको कवर करके रखा है, उसके ऊपर कवरिंग है, बादल की कवरिंग, यानी बादल छाया हुआ है, तो इस सेंस में हमने ओवर यूज़ किया है। ही पुट अ कोट, उसने, पुट मीन्स डाल लेना, पहनना, ही पुट अ कोट ओवर हिज पजामाज, जो पजामा, नीचे पैंट पजामा जो भी पहना था उसके ऊपर उसने पुट किया कोट को, ओवर हिज पजामाज, पजामाज के ऊपर, ये यहाँ ये वाली बात हो गई, जब उसको वो एक चीज़ दूसरी को कवर करती है, क्योंकि जो हम ऊपर कवरिंग पहनते हैं वो स्लाइटली नीचे वाले पैंट के या पजामा के ऊपर आ जाती है, पुट अ कोट ओवर हिज पजामा, इसलिए यहाँ पे ओवर का यूज होगा। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, वहाँ पर क्या है, ब्रिज है ओवर द रिवर, रिवर नीचे से फ्लो हो रही है और ब्रिज उसके ऊपर है, उससे टच नहीं है, उसी के एग्जैक्टली ऊपर है और ब्रिज बना हुआ है, तो इस सेंस में ओवर का यूज़ हुआ है। ये वाला सेंटेंस एक स्किप होगी भी, ये हो गया, अच्छा, ओवर हिज
ओ सॉरी, वी पुट अ शीट, ये वाला रह गया, वी पुट अ शीट, शीट मीन्स चादर, हमने एक चादर डाल दी थी, वी पुट अ शीट ओवर हिज बॉडी, उसकी बॉडी के ऊपर। अब इस केस में वो टच भी कर रहा है और उसको कवर भी कर रहा है, तो उड़ा दी थी उसको, ढक दिया था, तो ओवर का यूज होगा। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर हो गया, ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पर ये वाली बात है, इन एवरी पार्ट ऑफ द रीजन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स कि पूरी दुनिया में हर हिस्से में उसके फ्रेंड्स हैं, तो इस वाले रीजन की वजह से ये ओवर यूज होगा। चलिए जगह नहीं रही है, इनको नोट करते हैं और थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं और अगला यूज देखते हैं। आइए और यूजेस देखते हैं, और सेंटेंसेस देखते हैं, सॉरी। द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर डेनमार्क, अभी हमने इसमें एक देखा था यूज कि उस एरिया के, जो हमें एरिया दिया उसके सारे, उस रीजन के सभी पार्ट में, द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर डेनमार्क, तो डेनमार्क जहाँ तक फैला हुआ है उस डेनमार्क के ऊपर से जो प्लेन जो था वो उड़ रहा था। इस केस में अक्रॉस प्रीपोजिशन भी लगती है और दोनों करेक्ट हैं। यहाँ पे क्रॉस करने से इसका रिलेशन है, यानी वहाँ से वो उसको क्रॉस कर रहा था, डेनमार्क को क्रॉस कर रहा था, और भी कंट्रीज उसने क्रॉस की होंगी, तो डेनमार्क को जब वो क्रॉस कर रहा था तब की बात है। द प्लेन वॉज फ्लाइंग अक्रॉस डेनमार्क या ओवर डेनमार्क, दोनों ही करेक्ट हैं। इलेक्ट्रिसिटी केबल्स स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच मतलब फैला होना, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स बिजली के जो तार हैं वो फैले हुए थे ओवर द फील्ड्स, मैदान में जो फील्ड थे उसमें फैले हुए थे, और अक्रॉस द फील्ड फैले हुए थे, यानी उस पूरे एरिया को अच्छे से घेरे हुए थे और सब जगह फैले हुए थे, उस रीजन के हर पार्ट में फैले हुए थे, तो यहाँ पे ओवर और अक्रॉस दोनों ही करेक्ट हैं। द बर्गलर जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल, बर्गलर होता है जो सेंध लगाता है मकान में, तोड़ फोड़ करके अंदर घुस जाते हैं और चोरी के पर्पज से, तो बर्गलर जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल, ओवर द कंपाउंड वॉल, कंपाउंड वॉल के दूसरी तरफ, यानी दीवार से कूदकर दूसरी तरफ चला गया, ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, तो जैसा कि हमने उसमें देखा था, तो यहाँ पर ओवर उस सेंस में यूज हुआ है कि कंपाउंड वॉल के दूसरी तरफ कूद गया। द रोड रन्स, रोड जो है, रन मीन्स दौड़ना, लेकिन यहाँ पर दौड़ना नहीं है, उसका जाना, सड़क जो है जाती है ओवर हिल एंड प्लेन, जो हिली एरिया है वहाँ पर भी जाती है और जो प्लेन एरिया है वहाँ पर भी जाती है, तो हिल और प्लेन सब जगह जाती है, यानी कि पूरा रीजन जो है वो कवर करती है, उस रीजन का हर पार्ट कवर करती है, हिली पार्ट भी कवर करती है और जो प्लेन पार्ट है उसको भी कवर करती है, इसलिए यहाँ पे ओवर का यूज़ हुआ है। ही रूल्ड, रूल मतलब राज करना, वास्ट एम्पायर, ही रूल्ड ओवर, सॉरी छूट गया, ही रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर, उसने, या ही की जगह आप द किंग लगा सकते हैं, द किंग रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर, एम्पायर होता है साम्राज्य, राजा ने राज किया था एक बड़े वास्ट, बड़े साम्राज्य पर राज किया था, द किंग रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर, यहाँ पे ओवर उसी सेंस में यूज हुआ है कि साम्राज्य उसका वास्ट था और जहाँ तक फैला हुआ था वहाँ तक उसी का राज था, तो पूरे रीजन को वो कवर करता था, ओवर अ वास्ट एम्पायर। तो ये हमने देखे ओवर के यूजेस, अभी और भी इसका बचा है, चलिए इसको नोट करते हैं फिर आगे और देखते हैं और क्या बचा है। आइए कुछ सेंटेंस और हैं जो अगले यूजेज हैं इसको देखते हैं। एजेस और स्पीड के लिए भी इसका यूज होता है। ओवर इज यूज टू टॉक अबाउट, टॉक अबाउट मीन्स बात करना, टॉक अबाउट एजेस एंड स्पीड, उम्र के बारे में ज़्यादा बताने के लिए और स्पीड के बारे में ज़्यादा बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड टू मीन मोर देन, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा, उसको बताने के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी हैव टू बी ओवर 18, यू हैव टू बी, सॉरी, यू हैव टू बी ओवर 18, आपको हैव टू मीन्स होना है, यू हैव टू बी, आपको होना है 18 से ऊपर, ओवर होना है उससे, ओवर होना है 18 की एज से अधिक होना है, टू सी दिस फिल्म, इस फिल्म को देखने के लिए, इस फिल्म को वॉच करने के लिए यू हैव टू बी ओवर 18। अगला सेंटेंस है, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा था क्या कि शी वॉज ड्राइविंग एट ओवर 110 माइल्स पर आवर, वो ड्राइव कर रही थी ओवर 110, ये स्पीड है 110 माइल्स पर आवर, इतने मील पर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा, तो स्पीड में एक्सेस बताने के लिए और आपकी एज ज़्यादा होने के लिए, इन दोनों के लिए इसका यूज़ हुआ है।
थर्ड एग्जाम्पल है देयर वर ओवर 1 लाख पीपल, वहाँ करीब ये 1 लाख से ज़्यादा, ओवर उससे ज़्यादा थे, ओवर 1 लाख पीपल थे एट द फेस्टिवल, उस फेस्टिवल में 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित थे। अगला यूज है इसका हायर थिंग्स बताने के लिए, बहुत ईजी है, वाई आर यू क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, वाई आर यू क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, ये क्वेश्चन है, आप दीवार के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो। यहाँ पे उसके प्रोसेस का जिक्र नहीं किया गया कि किस तरह से चढ़ा जा रहा है, क्लाइंबिंग अप या क्लाइंबिंग डाउन, इस तरह की बात नहीं है, सीधे कहा है कि वाई आर यू क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, यानी दीवार पर क्यों चढ़ रहे हो, कैसे चढ़ रहे हो, ये नहीं है कि आप ऊपर चढ़ रहे हो क्या कर रहे हो। Why are you climbing over the wall? यानी दीवार के कैसे भी करके आप दीवार के ऊपर आ रहे हो, तो क्यों आ रहे हो दीवार के ऊपर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, Why are you climbing over the wall? तो ये हायर थिंग्स के लिए यूज़ हुआ, और ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी ओवर, जैसे अबव में एक यूज़ आया था हमने अभी देखा था कुछ देर पहले कि सी अबव का मीनिंग है, तो ऐसे ही सी ओवर का मीनिंग है। सी ओवर मीन्स टू लुक ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर देखना, तो इसको सी ओवर बोलेंगे। तो ओवर प्रेपोजिशन जब सी के साथ लगेगी तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा, टू लुक ऑन द नेक्स्ट पेज। एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट कम्प्लीट, ये पूरा नहीं है, इट इज़ नॉट कम्प्लीट डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए, कहना चाहिए था, प्लीज़ सी ओवर, सी ओवर मीन्स कि अगला पेज आप पलटें। तो ये हमने देखे, ये इतने यूजेज हैं, अभी हमने ई तक पहुँचे हैं, ये यूजेज इसके थे कि कहाँ कहाँ हम इस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब आप मुझे, आई होप कि आपको समझ आया होगा, अगर एक ही सेंटेंस में, ध्यान दें, अगर एक ही सेंटेंस भी हम एक सेंटेंस में देख रहे हैं कि ओवर आ रहा है या फिर अबव आ रहा है, ओवर या अबव प्रेपोजिशन हम फिल कर रहे हैं या एडवर्ब की जगह पे फिल कर रहे हैं, अगर एक ही सेंटेंस में दोनों चीज आती हैं, लेट्स से ओवर एंड अबव, और ये एक सेंटेंस है यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें ये हमने फिल किया ओवर एंड अबव और डैश डैश डैश, यहाँ फुल स्टॉप, ये सेंटेंस ख़त्म होता है। तो अगर सेंटेंस में ओवर एंड अबव एक साथ आता है, दोनों आ जाते हैं, एंड बीच में है, ओवर एंड अबव आया है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।